जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे स्टफ्ड टोमेटो। बच्चों को आजकल बाहर का खाना बड़ा पसंद आने लगा है। कोरोना काल में बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी थी, बाहर का खाना कम खाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना कम होता जा रहा है, बच्चों का फिर से क्रेज सबका बढ़ता जा रहा है। तो क्यों ना हम बाजार जैसी, होटल जैसी, रेस्टोरेंट जैसी सब्जी घर पर ही बनाया करें। तो ये स्टफ्ड टोमेटो बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल है और बड़े अच्छे बने हुए हैं। इतनी अच्छी इसकी लुक है। ये हम किसी स्पेशल ओकेजन पे भी बना के सर्व कर सकते हैं टमाटरों को, स्टफ टमाटो को। तो ये देखिए, ये हमारे कितने अच्छे स्टफ टमाटो बन के तैयार हो गए हुए हैं। ये देखिए कितना अच्छा टमाटर बना हुआ है हमारा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं स्टफ टमाटो बनाना। स्टफ्ड टमाटर बनाने के लिए मैंने ये 400 ग्राम टमाटर लिए हैं और इसके अंदर मैं आलू का मैश करके और चावल को मैश करके भरावन के लिए इन दोनों को मिक्स करूंगी। आप इसमें कोई भी सब्जी मिला सकते हैं, घिया की सब्जी, घिया डाल सकते हैं कद्दूकस करके, गोभी डाल सकते हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, जो भी आपको अच्छा लगे या जो आपके पास घर में हो। तो आज मैं ये आलू और चावल मिक्स करके स्टफ्ड टमाटर बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसके भरावन के लिए छोंक बना के हरी मिर्च अदरक का और तैयार कर लेते हैं। आलू और चावलों को हमने अच्छे से मैश कर लिया है और इनको अब हम मिला लेंगे आपस में। वैसे तो जब हम गैस पे इनको भूनेंगे तभी अच्छे से मिल जाएंगे। गैस पे हमने पैन रख लिया है और इसमें 1 चम्मच देसी घी डालूंगी मैं। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हो आप वो ही ले सकते हैं। घी गर्म हो गया, 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 पिंच हींग डाल देंगे, थोड़ा सा इनको हिला देंगे, बस गोल्डन ब्राउन हो गया जीरा। इसमें हम अपनी थोड़ी सी अदरक डाल देंगे। थोड़ी अदरक हम पेस्ट जो बनाएंगे प्यूरी का टमाटर की लिए उसमें पीस लेंगे हम। थोड़ी सी हम इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। गैस को हम बिल्कुल कम कर देंगे, नहीं तो ये मसाले हमारे जल जाएंगे। और इसमें हमारे ये आलू और चावल डाल के हम इनको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इनको भून लेंगे। 1/4 चम्मच इसमें हम हल्दी डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि चावलों में हमारा पहले थोड़ा सा नमक था तो अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। थोड़ी सी इसके अंदर हम लाल मिर्च भी डाल देंगे। 1/4 चम्मच से भी कम हमने लाल मिर्च डाली है, क्योंकि हम प्यूरी में भी मिर्च डालेंगे और इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिला लेंगे और इसको फिर मसाले को बरावन जो हमारी टमाटर में हमें स्टफिंग के लिए बना रहे हैं इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। टमाटरों को हम यहाँ से बीच में से थोड़ा थोड़ा काट के ऐसे इसका ये पीस अलग कर देंगे सारे टमाटरों का। बस बहुत ज्यादा चौड़ा हमें ये नहीं काटना है, बस इतना चौड़ा ये छेद करना है कि हम इसका अंदर से इसका ये गुद्दा निकाल सकें। चाकू की मदद से हम इसको आराम से इसका टमाटर का गुद्दा निकाल लेंगे। पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा चाकू से ऐसे क्रश कर लेंगे। अब हम एक पीलर से इसका सारा रस निकाल देंगे, अंदर का गुद्दा जितना भी है। पीलर की मदद से ये सारा बड़े आराम से निकल जाएगा गुद्दा। हमें अपना ये टमाटर फटने नहीं देना है। जितना हमारे से इसका गुद्दा निकलेगा ऐसे हम इसका गुद्दा निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारा गुद्दा इसमें से काफी निकल गया है। इसी तरह से हम अपने सारे टमाटरों में से गुद्दा निकाल लेंगे। इस तरह से हमने अपने सारे टमाटरों का अंदर का गुद्दा निकाल लिया, ये अंदर से हमने खाली कर लिया सारे टमाटर।
अब उधर हमारी जो स्टफिंग है वो भी ठंडी हो गई है। अब हम इनके अंदर अपना वो स्टफिंग भरेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे इसमें। कसूरी मेथी से बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें मिला देंगे और इनको अब हम टमाटरों में अपने भर लेंगे। ये स्टफिंग ठंडी हो चुकी है हमारी। मैक्सिमम जितना इसके अंदर भरा जाएगा हम इसमें ये अपना भर देंगे स्टफिंग। ये देखिए बड़े आराम से हमें इसकी थोड़ी सी जगह ऐसे खाली छोड़नी होगी, क्योंकि जैसे जैसे गर्म होएगा तो ये बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगी जो इसकी जो स्टफिंग है। ऐसे हम अपने ये सारे टमाटर इन आलूओं से जो हमने बनाई है स्टफिंग भर लेंगे। ये हमने अपने टमाटर भर लिए हैं और जो ये थोड़ी सी हमारी स्टफिंग बच गई है बाद में हम इसको प्यूरी में मिला लेंगे। अब हम एक गैस पे पैन रखेंगे गर्म होने के लिए। गैस पे पैन रखेंगे, थोड़ा सा बस इसमें हम घी डाल देंगे, थोड़ा सा, ज्यादा घी की इसमें हमें जरूरत नहीं है। और इसमें हम हमारे ये टमाटर लगा देंगे, ऐसे रख देंगे और इनको ढक के पकने देंगे। गैस स्लो कर देंगे, भारी तले की कढ़ाई है, इसमें अपने आप अच्छा सा सेक लगता रहेगा और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको हिलाते रहेंगे। अब हम अपनी प्यूरी बनाएंगे। 3 मीडियम साइज के टमाटर, थोड़ी सी अदरक, एक हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अगर ज्यादा डालना चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। और थोड़े से काजू ले लिए हमने, 3 टेबल स्पून के आसपास हमने काजू ले लिए। इनका अब हम ग्राइंडर जार में डाल के पेस्ट बना लेंगे। बीच बीच में हम इनको थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि ये हमारे एक साइड से जलने ना पाए। अभी हमें इनको रखे हुए 7-8 मिनट हो गए हैं, थोड़ा टाइम और लगेगा। अभी गैस पे पैन रखेंगे और इसमें हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। मैंने ये देसी घी लिया है, आप जो भी कुकिंग ऑयल लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। घी गर्म हो गया, जीरा डाल देंगे, 1/4 चम्मच हमने जीरा डाला है। 1 चुटकी हींग डाल देंगे और ये अपना टमाटर का, अदरक का, मिर्च और काजू का जो हमने पेस्ट बना रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। जीरा हमारा तड़क गया है, और अब ये प्यूरी को अपनी भूनते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच से भी कम नमक डालेंगे हम, क्योंकि हमने पहले टमाटरों के अंदर उनमें नमक डाल रखा है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच के आसपास और 1/2 चम्मच छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। मिर्च इसके अंदर क्योंकि हमने पीस रखी है, टमाटरों के अंदर स्टफिंग में भी डाल रखी है, तो थोड़ी ही हम इसमें मिर्च डालेंगे, ज्यादा मिर्च भी नहीं डालेंगे। ये थोड़ी सी मिर्च डाल देंगे बस, 1/4 चम्मच से भी कम है। अब ये प्यूरी को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये अपना घी नहीं छोड़ देती। उधर हमारे टमाटर बन रहे हैं, हमने बीच बीच में उनको देखते रहे हैं। ये टमाटर हमारे लगभग तैयार हो गए हैं, हमें इन्हें 12 मिनट हो गई हैं रखे हुए। ये सब टमाटर नरम हो गए हैं, बस अब हम गैस को तो बंद कर देंगे और इनको ढक के छोड़ देंगे। ये प्यूरी भी हमारी बस तैयार होने वाली हो गई है और हम इसको 1 मिनट तक चलाएंगे। प्यूरी हमारी तेल छोड़ने लग गई है, इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी और डाल देंगे। कसूरी मेथी से बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाएगा इसकी प्यूरी में। वो जो टमाटरों का हमने गूदा निकाला था उसका जो पानी है वो डाल देंगे। हमने इसके बीज निकाल दिए हैं सारे, और जो मिक्सी का पोट धो के पानी निकाला वो भी हम इसमें डाल देंगे सारा। अब इसको मिला लेंगे अच्छे से। और जो हमारी आलू की पिट्ठी जो हमने इसकी भरावन बनाई थी वो बची पड़ी है, वो भी इसी में मिला देंगे। आवश्यकता के हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। अभी
सारे इसको आलू के जो ये भरावन है उसको भी और ये टमाटर की प्यूरी को हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी ये प्यूरी हमारी गाढ़ी है, इसमें हम अभी थोड़ा पानी और डालेंगे। जितना आप प्यूरी पतला गाढ़ा जितना रखना चाहें उतना ही आप इसका कर सकते हैं घोल प्यूरी का। अब ये प्यूरी उबलने लगेगी तो हम इसमें अपने वो टमाटर ऐड कर देंगे। ये हमारी प्यूरी बिल्कुल तैयार हो गई है, इसमें अब हम अपने ये टमाटर डाल देंगे। सारे टमाटर रख देंगे इसमें हम अपने। और इसको 2-3 मिनट के लिए प्यूरी के साथ इनको ढक के उबलने देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पिसा हुआ जीरा डाल देंगे 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच से भी कम हमने गरम मसाला डाल दिया है। ये सब्जी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन टमाटरों को अब हम एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ये सब्जी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। ये मसालों की इसमें से तरी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल अच्छे ये हमारे स्टफ टमाटो बनके तैयार हो गए हैं। ये हमारी स्टफ्ड टमाटर बनके तैयार हो गए हैं। ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के इनको हम और गार्निश कर देंगे। वैसे हमने बीच में पहले धनिया डाल रखा है। ऊपर से जो धनिया डलता है उसका तो एक अपना अलग ही फ्लेवर होता है। तो आपको अगर ये स्टफ टमाटो का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।